नगर पालिका क्षेत्र के अनेक मोहल्लों की निर्धन और आर्थिक तंगी से परेशान महिलाओं के दल ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी अमित कुमार से नरेगा में रोजगार दिलाने का ज्ञापन सौंपा। साथ ही रामगढ़ कस्बे के अनेक मोहल्लों में पेयजल संकट से अवगत करवाते हुए समस्या का समाधान की मांग की। वार्ड संख्या 23, 24, 25 और 26 के नायक मोहल्ला, सराय मोहल्ला, भैरोजी मोहल्ला, सैनी मोहल्ला, भलाई मोहल्ले की सुमन देवी, भागवती देवी, मैना जाटव, मधु देवी, संतरा देवी, कौशल्या सैनी, रघुबरी वर्मा, गीता देवी, आशा सैनी, द्रौपदी सहित अनेक दर्जन महिलाओं ने नरेगा में रोजगार दिलाने और पेयजल समस्या से निजात दिलाने का आग्रह किया। महिलाओं की तरफ से उन्हीं के मोहल्ले के मनोनीत पार्षद एवं अधिवक्ता रोहिता सैनी ने उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया कि इनमें से अनेक महिलाएं प्रातः 4 बजे से ही पीने के पानी के लिए जुगाड़ में लग जाती है। सार्वजनिक हैंडपंपों पर लाइनों में लग जाती है, तब जाकर सारा दिन में 2 या 4 मटके पानी ही भर पाती है। इधर कस्बे की सप्लाई के लिए ललावंडी रोड पर लगे बोरिंगों की राइजिंग लाइन में लोगों ने अवैध कनेक्शन कर पाने का कृषि कार्य में उपयोग ले रहे हैं, जबकि कस्बा पेयजल समस्या से परेशान है, जिस पर उपखंड अधिकारी अमित कुमार ने महिलाओं से नरेगा में रोजगार के बारे में जानकारी ली कि किसको कितना मिला है। महिलाओं से वार्ता करने के बाद SDM अमित कुमार ने नगर पालिका को रोजगार मांगने आई महिलाओं को रोजगार देने का पत्र भेजकर जारी करने का आदेश दिया और साथ ही पेयजल समस्या समाधान के लिए सहायक अभियंता से दूरभाष पर बात करके समस्या समाधान कराने को कहा। साथ ही जगह जगह राइजिंग लाइन में किसानों द्वारा किए गए अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। राजस्थान सरकार की तरफ से शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसके क्रियान्वयन के लिए और लोगों को रोजगार मिले उसके लिए काफी सारी महिलाएं परेशान थी, तो उनका एक 50-60 महिलाओं का डेलीगेशन आदरणीय SDM साहब से मिलने आया, जो कि नगर पालिका के प्रशासक हैं। तो हमने उनको उनसे यही चर्चा हुई है कि साहब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और रोजगार इसलिए आवश्यक है कि आज इस महंगाई में जब सरकार, प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर इतनी सजग है, प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर इतनी चिंतित है, तो यहाँ के जो प्रशासन है उसको भी उस चिंता को मानना चाहिए और इन सभी महिलाओं को अगले एक एक डेढ़ डेढ़ वर्ष के काम का जो भी इनका बनता है उनको काम देना चाहिए। तो SDM साहब ने भी आज इस लंबी चर्चा हुई आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय PO साहब को इस मामले में उन्होंने बात की है और कह रहे थे कि मैं एक लेटर जारी करके और ये बताऊंगा कि जल्द से जल्द कैसे ये काम को रोका जाए, पानी की क्या समस्या थी। हाँ, और दूसरी जो हमारी चर्चा हुई वो पानी पर हुई। पानी पर चर्चा का जो विषय था कि पूरा कस्बा प्यासा मर रहा है इस समय, इसमें कोई दोहराय नहीं है, उस पानी को लेकर के ना SDM साहब ने अवगत कराया है कि प्रदेश की सरकार ने 24 घंटे की बिजली तो ललावंडी में उपलब्ध करा दी है, लेकिन वहां जो ललावंडी से और रामगढ़ कस्बे के बीच में पाइपलाइन दबी हुई है, उस पाइपलाइन में अवैध तरीके से जिन लोगों ने भी कनेक्शंस किए हुए हैं उन पर वो लोग पानी का दोहन कर रहे हैं गलत तरीके से, तो जल्द से जल्द प्रशासन इनके खिलाफ PHD विभाग को लिख के देंगे, जिससे कि ये जो खेती के लिए और अनावश्यक रूप से पानी की चोरी की जा रही है पाइपलाइनों को फोड़ करके ना, इन पे अंकुश लगे और जिससे कि पूरा कस्बा तरबतर हो सके और सभी लोगों को अपने हक और हिस्से का पानी